नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। देश का पूरा राजनीतिक सिस्टम व्यस्त है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा व्यस्त हैं, क्योंकि इन दोनों की साख और भविष्य दांव पर है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन व्यवस्था पूरे देश के स्तर पर नहीं है। दोनों की दोनों पार्टियां गुजरात में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। तमाम मुद्दे इस चुनाव से प्रभावित होकर अलग दिशा में जरूर जा रहे हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनके नतीजे देश गुजरात चुनाव के बाद भी महसूस करेगा। सवाल है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक राज्य के चुनाव पर पूरे देश को केंद्रित कर दिया गया है? हम भी उस वक्त उसी चुनाव को चर्चा के लिए एक घंटे का वक्त देने जा रहे हैं। आप सोच भी सकते हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। हाँ, ये सही भी है, लेकिन मीडिया की मजबूरी जो कुछ हो रहा है उसे सामने लाने की भी होती है, और हम उसी सच को सामने लाते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम कब इतने परिपक्व होंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के चुनावों में प्रभावित ना हो पाए। बीजेपी और कांग्रेस की नजर इस वक्त एक ही जगह पर टिकी है, और वो जगह है गुजरात। दोनों ही पार्टियां किसी भी सूरत में चुनाव जीतना चाहती हैं। लोकतंत्र की रीत भी यही है, लेकिन आपने कभी सोचा कि एक राज्य के चुनाव पर कितनी चीजें कुर्बान हो रही हैं? पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के लिए जिस तरह से सहयोग दिया है वो गुजरात के सभी समुदाय के लिए अच्छी बात है। संवैधानिक आर्टिकल 46 के प्रावधानों के आधार पर वो बिल विधानसभा में रजू करेंगे, पारित करेंगे। एक संगठन की मांग राष्ट्रीय पार्टी ने मान ली। ये मांग देश की सर्वोच्च अदालत की भावनाओं से मेल भी नहीं खाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसे लागू करने का फॉर्मूला निकाल लिया, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। इट्स अ वेरी हैप्पी डे फॉर मी पर्सनली दैट दे हैव अग्रीड, एंड मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट द फॉर्मूला, मोर इम्पोर्टेंट जस्ट द वे फॉरवर्ड इज द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ गुजरात आर वेरी टायर्ड of this government which has ruled in Gujarat for last 22 years and they are ready for change, they want change. Sansad ka satra tal diya gaya, vipakshi partiyan sarkar par sawal utha rahi hain. Satta paksh ki daleel hai ki flashback mein jaiye, ye kaam to aapne bhi kiya hai, hum kar rahe hain to kya pareshani? Aakhir Gujarat mein chunav jo hai, kehte hain ki pradhanmantri 50 rallyan karenge. देश के प्रधानमंत्री के आने वाले 20-25 दिन गुजरात में ही गुजरने वाले हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। कांग्रेस कहती है कि वो विचारधारा से बंधी पार्टी है, लेकिन उसे अपनी ही विचारधारा की सफलता पर शक हो जाता है। इमेज बदलने के लिए राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। खबर तो यह भी है कि दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े जारी करने में देरी है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। मौजूदा मुद्दों को भूल राजनेता 400 साल पुराना इतिहास खंगाल रहे हैं। रानी पद्मावती को लेकर चिंता में हैं। एक भव्य फिल्म फिलहाल डब्बे में चली गई है, क्योंकि गुजरात में चुनाव है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो क्या गुजरात ही देश हो गया है? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। राजीव जेटली प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आदिल सिंह बोपराय प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर राजेंद्र मेहता प्रतिनिधि हैं गुजराती समाज के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही कांग्रेस से आदिल सिंह बोपराय भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आदिल, झुंझुनू पकड़ा दिया गया आज, पाटीदार समाज तो खुश है या नहीं? लेकिन कपिल सिब्बल बेहद खुश नजर आए, उन्होंने कहा भी कि मैं खुश हूं, लेकिन आज ही क्यों? आज ही क्यों आरक्षण को लेकर और इस सब को लेकर बात हो रही है, एन जब चुनाव में जा रहा है राज्य? ये तो बहुत पहले से चल रहा था, पहले क्यों नहीं कर दिया गया, अगर वाकई आप उनके खैरख्वाह बनना चाहते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, गुजरात की जनता ने अपना मन बना लिया है कि जो छल और कपट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी प्रैक्टिस करती है उसे नकारने का। पिछले 22 साल के कार्यकाल में केवल चंद उद्योगपतियों का विकास हुआ है।
आज गुजरात के हर नौजवान के मुंह पे एक सवाल है अमित शाह साहब से और मोदी साहब से कि बताइए जय भाई शाह के तो टर्नओवर 50,000 से 80 करोड़ रुपए बन जाता है ये फॉर्मूला आप हमें भी बताइए सो दैट हमारी तरक्की भी हो। देखिए हकीकत क्या है आज गुजरात की, सूरत में लाखों में, सूरत अहमदाबाद और शहरों में लाखों में लोग इतना आक्रोश है कि सड़कों पे आए हैं जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बाद। ये दोनों डिसीजंस ने मोदी साहब की हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को टॉर्पीडो कर दिया है। हमारा जीएसटी 9.2% से 5.7% पे आ गया है, दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, पाटीदारों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे सेडिशन के केसेस लगाए जा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात मॉडल जिसकी ये बात करते हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी विकास की ओर गुजरात को लेके जाना चाहती है जहां इक्वल डेवलपमेंट होए, इक्वल विकास होए हर वर्ग हर समाज के लिए। भारतीय जनता पार्टी केवल चंद उद्योगपतियों को, अभी आपने मीनाक्षी रफाइल स्कैम के बारे तो पढ़ा ही होगा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने सूट बूट दोस्त को 21,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट था रफाइल के। नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं, जनता ने बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गुजरात क्या देश हो गया है इन सबको लेकर, क्योंकि बात नहीं हो रही है इन सबको लेकर, आदिल बात नहीं हो रही है, बात तो केवल और केवल गुजरात चुनाव को लेकर हो रही है। राजीव जेटली, डर के आगे जीत कहा जाता है, जीत के आगे क्या है, राज्य दर राज्य जीतते चले जाइए लेकिन उसके बाद समस्याओं का निदान कौन कैसे क्या करेगा उसको लेकर तो कोई स्थिति नजर ही नहीं आ रही है। महंगाई देखिए कहां पर है, उसको लेकर बात नहीं हो रही है, लेकिन यूपी जीत लिया, हिमाचल हम जीत जाएंगे, गुजरात हमको जीतना है, लेकिन इससे आगे क्या? देखिए, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं, इतनी सारी बातें कांग्रेस के हमारे साथी ने रखी, विकास की बात कर रहे थे, विकास के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, वंशवाद जातिवाद के ऊपर तो बहुत चर्चा हो रही है, विकास के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था विकास का मॉडल, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के, कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में गुजरात के बच्चों द्वारा बनाए गए इन्वर्टर और उसकी बैटरियां बिकती हैं, लेकिन गुजरात में जो लोग बनाते हैं वहां उसे की जरूरत नहीं पड़ती। ये होता है विकास का डिफरेंस। बात आती है एग्रीकल्चर पे, मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं, बात आती है एग्रीकल्चर पे। देखिए, कांग्रेस शासित गुजरात के अंदर अगर एग्रीकल्चर में इरिगेशन को भी देखें तो 31% से ऊपर नहीं जाता था, ये बिल किसी के पास नहीं थी, ये विजन किसी के पास नहीं था, ये भी अगर किसी ने करके दिखाया तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ने, जिसने 50% से ऊपर करके दिखाया। कांग्रेस शासित एक भी प्रदेश लाकर दिखाएं जिसके अंदर ये बिल हो और जिसने इरिगेशन की विस्तार इतना लंबा किया, किसान तो इतना लंबा किया, तो वहां का भी परेशान है, उसको लेकर आप बात ही नहीं कर रहे हैं ना। एक सेकंड, आपने देखिए उनसे पूरी बात सुनी, उन्होंने पूरी बात बताई, एक एक का जवाब तो मेरे को दे दीजिए, उनका जवाब आप देते रहिएगा तो फिर मेरे सवालों का जवाब, आपके सवाल पर भी जरूर आऊंगा, लेकिन जो प्रश्न उठाए उनका जवाब भी बनता है। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि गुजरात में ये कहते हैं कि गुजरात रुका हुआ था, 22 साल से रुका हुआ था, 22 साल से कांग्रेस को कहां बिठाकर रखा था, कौन से कोने में छुपाकर गुजरात की जनता ने रखा था, उसका जवाब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात की जनता देगी। हम कहते हैं गुजरात अगर बढ़ा तो केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ा। गुजरात के अंदर आज कपिल सिब्बल जी की बात, अब मुद्दे पर आ जाते हैं, कपिल सिब्बल जी आज बहुत खुश हैं। कपिल सिब्बल जी इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्होंने जो झुंझुना अभी दिया नहीं है, अभी तो झुंझुना भी नहीं दिया, कपिल सिब्बल जी तो एडमिट ही नहीं कर रहे इस बात को, जिस बात को आज हार्दिक पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, वो तो अभी भी नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये नामुमकिन है, इसको करा ही नहीं जा लेकिन सकता। मुझे एक अगर ये किया, मनीषी जी, अगर ये किया जा सकता होता तो हरियाणा में जो कांग्रेस ने आरक्षण जाट समाज को दिया था, उस आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था, वो जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के पास चल कर ना आता, वो भारतीय जनता पार्टी को ना कहता कि अब हमारी भी पुकार सुनिए, हमें कांग्रेस पार्टी ने जो झुंझुना पकड़ाया था जातिगत आधार पे बांटने का, आरक्षण देगा उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, फिर दे देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए राजीव जी कि जब इतना सब कुछ हो गया था, गुजरात मॉडल की भी बहुत बात होती है, तो अब ऐसा क्या है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होती है, एक पक्ष और एक विपक्ष, लेकिन आपको विपक्ष में जाने से इतनी क्यों परेशानी है अगर आप चले भी जाते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि आपने इतना काम किया है, गुजरात का मॉडल जो है देश भर में चलता है, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री को हमारे इतने दिन कैंप करना पड़ेगा, विकास की बात कहीं ना कहीं पीछे चली गई है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, उससे पहले मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, लोकल मुद्दों पर तो चुनाव होना चाहिए, लेकिन वहां के मुद्दे क्या वाकई पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, आम जनता की जो बात है उसको उठाया जा रहा है, या वाकई गुजरात इतना बड़ा हो गया है कि देश
कहीं उससे छोटा नजर आ रहा है। आप गुजरात समाज को समझते हैं, क्या है स्थिति गुजरात में वाकई में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पक्ष जो है वो पिछले 22 वर्षों से गुजरात में शासन करता आ रहा है, हाँ। और इस शासन के चलते भारतीय जनता पार्टी के मझोले कार्यकर्ताओं से लेकर उनके काडर से लेकर उनके मिनिस्टरों तक में एक कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ घमंड जो है वो देखता है, और ये घमंड उनके विकास के दावों पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, देखिए, अगस्त 2015 में हार्दिक पटेल 12 लाख लोगों को लेकर के जीएमसी ग्राउंड में आए, और उस समय जबकि मोदी जी अपने सबसे विश्वस्त साथी आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाकर गए थे, और वो मंजी हुई नेता है, वरिष्ठ नेता है, तो फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और वो देखिए आज समस्या कहां तक जा पहुंची है। अगर उसी समुदाय के साथ और उसके बाद उभर आए दूसरे ठाकुर समुदाय, जिनके नेता अल्पेश ठाकुर ने तो बाकायदा कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, तो उनके साथ अगर वो संवाद करती या राजनीतिक हल निकालने की कोशिश करती आनंदीबेन पटेल के बाद विजय रूपाणी जी, बल्कि ये क्या, मैं तो ये कहूंगा कि आनंदीबेन पटेल ने जो अपना पद खोया वो भी पाटीदार आंदोलन के चलते खोया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पक्ष जो है वो 20 वर्षों से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने नहीं, के कारण आप, पहले, पहले आप सिर्फ हार्दिक पटेल की बात मत कीजिए, हार्दिक पटेल की अपनी बहुत आकांक्षाएं महत्वाकांक्षाएं हो सकती है, लेकिन मैं पाटीदारों की बात कर रही हूँ, क्या उनको भी सबसे असर पड़ता है? क्योंकि अगर वैसा होता कांग्रेस की तरफ अगर वो वाकई जाता तो जब पहली लिस्ट आई तो वहां पर बवाल उस तरीके से मचता नहीं। और हमारा सवाल कांग्रेस से भी है कि अब क्यों जब वो इतना बड़ा मंच सजा रहे थे या उनको जब सलाखों के पीछे भेजा जा रहा था, ये सब आम बातें तब क्यों नहीं की गई, अब क्यों की जा रही? पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गुजरात में जो एक तरफ भारतीय जनता पक्ष के विकास के दावे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो पुनर्जीवन की उम्मीद किए हुए हैं इन तीन नए युवा नेताओं के बलबूते, इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि गुजरात में कृषि, बेरोजगारी और शिक्षा, ये तीन बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर इन दोनों में से किसी भी पक्ष ने अपने न तो मैनिफेस्टो में आज तक बात रखी है, न उनके जो घोषित उम्मीदवार हैं उन्होंने इस बारे में कोई अपनी टिप्पणी दी है। ये तीन बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा का भगवाकरण। भारतीय जनता पक्ष को पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस की जहां तक बात कर रहे हैं आप, पिछले 22 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं होने के कारण उनके पास काडर नहीं है, उनके पास वेल ट्रेंड और वेल ऑयल्ड इलेक्टोरल मशीनरी नहीं है जो कि भारतीय जनता पक्ष के पास है। इतना ही नहीं, एन मौके पर उन्होंने शंकर सिंह वाघेला जैसे मंजे हुए नेता को भी गंवा दिया जो कि भारतीय जनता पक्ष को इस इलेक्शन में टक्कर दे सकते हैं। आदिल, आप भी तो हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश के ही सहारे हैं, कांग्रेस उपाध्यक्ष को भी हम लगातार देख रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, जीत क्यों जरूरी है? गुजरात में अगर जीत जाती है कांग्रेस, अगर सरकार वहां पर बना लेती है, बाकी देश के लिए, हमारे लिए क्या बदल जाएगा? देखिए मीनाक्षी जी, जब कोई भी पार्टी इलेक्शनों के बीच में जाती है, इलेक्शन लड़ने जाती है, सो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें समर्थन देते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, बिकॉज आज बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इनका आक्रोश है। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं कि 95 से पहले अमूल आया था, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आई थी, और ये ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी के आने से हुआ, ये बीजेपी के आने से पहले क्या है ये, और ये सारा इसका क्रेडिट जाता है गुजराती एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को। तो ये जो कह रहे हैं कि बीजेपी के आने के बाद विकास हुआ है, ये गलत है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सरकारी आंकड़े हैं, हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.4%, ये नेशनल एवरेज है 5.4%, गुजरात में 6.8% है, जिसका ये मतलब है कि गुजरात में बेरोजगारी नेशनल एवरेज से बढ़कर है। ये है हकीकत, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं। और मीनाक्षी जी, एक आपको मैं बड़ी ऑब्जेक्टिव चीज आपसे पूछना चाहूंगा और आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, अगर लोग इतना ही भारतीय जनता पार्टी से खुश होते तो लाखों में सड़कों पर क्यों आते? हमारे व्यापारी भाई, बाकी हमारे किसान भाई सूरत, अहमदाबाद में लाखों में सड़कों पे आए थे। अगर इतना खुश होते ये विकास मॉडल से तो वो क्यों अपना आक्रोश दिखाते? ओके, किसानों के उनकी जमीनें छीनी जाके उद्योगपतियों को दी जा रही है,
कच्छ में देख लीजिए, नॉर्थ गुजरात में देख लीजिए, तो ये केवल ये बीजेपी केवल दो तीन उद्योगपतियों के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ये सरकार है। और आप देखेंगे लोगों ने मन बना लिया है, एक तरफ जनशक्ति है कांग्रेस के साथ और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, मुझे ये बताइए कि जब सब कुछ इतना अच्छा था गुजरात में और इतना अच्छा चल ही रहा है, तो ऐसे में संसद का शीतकालीन सत्र भी एक्सटेंड करना पड़े, पद्मावती भी ना रिलीज हो, महंगाई को लेकर भी हम बात ना करें, गुजरात में तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट की तरह है, फिर इन सब चीजों से क्यों घबराया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो मुझे मेरा फर्ज बनता है कि जो प्रश्न उठाए जाते हैं उसका जवाब मैं दूं, इससे पहले कि मैं दूसरे प्रश्न पर जाऊं। पहली बात यह है कि एक मारुति का बहुत बड़ा प्लांट जिसको कांग्रेसी गुंडों ने हरियाणा में बंद करवाया और उन्हें गुजरात जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्हें गुजरात सबसे अच्छी जगह लगी, वहां कांग्रेसी गुंडे नहीं मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब अपना दूसरी एक बड़ी कंपनी वहां अपना प्लांट लगा रही थी तो ये सभी लोग कांग्रेसी और तथा कथित सोशल वर्कर वहां खड़े हुए थे। जिस जमीन की कीमत 5-5 हजार रुपए नहीं थी, वहां पे लाखों रुपए उस किसान को मिला, ये कहते थे ना तो हम प्लांट लगने देंगे ना किसान को जमीन लेने देंगे, वो उनको उसी हालात में रखेंगे जिस हालात में हम छोड़कर आए थे। तीसरी बात, अब ये कहते हैं विकास के मॉडल की बात, मैं कहता हूं खुली चुनौती देता हूं गुजरात के साथ किसी भी कांग्रेस शासित प्रदेश का आप कंपेरिजन करके देख लीजिए, किसी भी टर्म पे कर लीजिए, बिजली पे कर लीजिए, पानी पे कर लीजिए, किसान पे कर लीजिए, एग्रीकल्चर के ऊपर कर लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कर लीजिए, अरे कोई तो मापदंड लेके आइए कंपैरिजन के लिए। राहुल गांधी जी को सुनिए, हमारा शीतकालीन राहुल गांधी जी को हमारे हमारे मुद्दे पे संसद में उठाए जाते हैं ना, आप इसी का जवाब दीजिए, हमारे मुद्दे पे उठाए जाते ना, सितंबर में जो सामान मुझे 5 रुपए का मिलता था आज अगर मैं 15 रुपए का खरीद रही हूँ, तो सर आप गुजरात गुजरात करते रहिए, बाकी देश मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, आपने झुंझुनू की बात करी थी, आप ये देखिए कांग्रेस ने कोई वायदा नहीं दिया, तब भी एक नेता को, जो अब मैं कांग्रेस का नेता ही कहूंगा उन्हें, कांग्रेस के नेता जो हार्दिक हैं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारी मांग मान ली, जिसको कपिल सिब्बल जी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। दूसरी बात, आज देखिए जिस कांग्रेस ने ना सरदार भाई पटेल का सम्मान किया, ना मुरारजी देसाई का सम्मान किया, अरे भाई वो लोग हार्दिक पटेल का सम्मान कैसे कर सकते हैं? और तीसरी बात, हमारा जो खतरा है, हम जो बार बार कहते हैं गुजरात के अंदर, गुजरात में जातिवाद का जहर फैलाकर अगर वो राहुल गांधी का राजनीतिक सर्वाइवल करना चाहते हैं तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप। आपने पाटीदारों को ज्यादा टिकटें क्यों दी? अगर वो आपसे नाराज नहीं थे, आपके साथ इंटैक्ट थे, आप भी तो जातिवाद कर रहे हैं। वो हमारे मंत्रिमंडल में तो ऑलरेडी 2 मंत्री हैं, आप उसके साथ अभी जो नई टिकटें, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जो नई टिकटें, पहली सूची जो है उसमें इतने क्यों पाटीदार? यही तो कह रहा हूँ, पाटीदार तो भारतीय जनता पार्टी। आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शीतकालीन सत्र क्यों एक्सटेंड करना पड़ रहा है? क्यों नहीं बाकी देश के मुद्दे उठाए जा रहे? गुजरात इतना इंपॉर्टेंट हो गया? और क्या वाकई गुजरात इतना इंपॉर्टेंट है या सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट है? आपसे सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता साहब से मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो आप ये तो स्वीकारते हैं कि शिक्षा राज्य का विषय है, शिक्षा तो राज्य का विषय है ना, आप शिक्षा पे बात करिए 1992 से लेकर 1995 तक के आंकड़े देखिए और 1995 से लेकर 2017 तक के आंकड़े देखिए। इन आंकड़ों में पिछले 20 वर्षों में गुजरात के किसी भी 8 मुख्य विश्वविद्यालयों में से किसी भी कहां पर भी नहीं नया कॉलेज नहीं खुला है। विश्वविद्यालयों में जो रिक्त जगह है वो भरी नहीं गई है। ओके, स्कूलों में जगहें नहीं भरी गई हैं बिल्कुल शिक्षा का। और गुजरात की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियों को छोड़ दे जो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में स्थित हैं, इन 3 यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट और निर्मा इंस्टीट्यूट को छोड़ दे, तो बाकी सारी निजी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल 100% भारतीय जनता पक्ष के नेताओं की मालिकी, उसका उनकी मालिकी की है, पहले अच्छा। तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जहां तक सरदार पटेल और मोरारजी देसाई का सवाल है तो मैं आपसे एक गुजराती तटस्थ निरीक्षक के नाते ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों अगर आज जीवित होते तो भारतीय जनता पक्ष को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि ये घोर गांधीवादी है, घोर गांधीवादी है। और मोरारजी देसाई ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पसंद नहीं किया था,
राइट विंगर शिवसेना को भी पसंद है यार, मत बताइए आप बोले कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, मैं चर्चा करता हूँ, मैं कांग्रेस की तरफ से मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बदलेगा क्या और अगर बदलना नहीं है और लगातार 22 साल तक इन्हीं में विश्वास जताया जा रहा था तो उसका कारण क्या? जातिवाद और तमाम इन्हीं समीकरणों में जनता को उलझा लिया जाता है, मुख्य मुद्दे गौण हो जाते हैं, बरगला लिया जाता है, क्या हो जाता है, क्यों बार बार इन्हीं में विश्वास जताया जाता है, वो आप मुझे समझा दीजिए। फिर मैं आपको एक स्पष्ट रूप से समझा दूं कि देखिए, जब भारतीय जनता पक्ष सत्ता में आए तो पहले 5 साल तो वो हिंदुत्व के नाम पे जीते और 2002 के बाद मोदी जी के नाम पे जीते। मोदी जी का एक करिश्मा है, ये सर्वस्वीकृत बात है और ये मैं भी स्वीकारता हूं। अच्छा। लेकिन इसके बाद उन्होंने गुजरात विकास के मॉडल के नाम का जो झुंझुना पकड़ाया गुजरात सरकार गुजरात की जनता को, वो झुंझुना अब जाके 20 वर्षों के बाद, 2 दशक के बाद वो खोखला हो गया है। भारतीय जनता पक्ष को इस वस्तु स्थिति आदिल आप अपनी मजबूती के साथ माननीय पत्रकार महोदय का बहुत शॉर्ट में जवाब देता हूँ, क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? ये गुजरात की जनता को मूर्ख बता रहे हैं, ये कह रहे हैं झुंझुने से गुजरात की जनता करती है, क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे जब बुरी तरह से कांग्रेस गुजरात की जनता वहां से निकालेगी? तो क्या ये इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हम मूर्ख थे, गुजरात की जनता को मूर्ख बनाने जा रहे थे? आपने कितना बड़ा प्रश्न उठाया गुजरात की जनता पे, आपसे आदिल मुझे बताइए, ऐसा कर सकते हैं गुजरात की जनता को मूर्ख बना रही है? मैं स्टैंप लगाए कि वो मूर्ख बन देखिए मीनाक्षी जी आ रही है सारे देश की जनता के साथ। मीनाक्षी जी, ऐसे सिविलाइज डिबेट नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिविलाइज। आप बताइए आदिल जी, आदिल मुझे आप बताइए, आप अपनी स्ट्रेंथ बताइए, आप किस स्ट्रेंथ के सहारे हैं वहां पर? जनता का मर्म समझा जा रहा है, जनता को क्या चाहिए वो सब समझा जा रहा है, या सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, वो चाहे जातिगत समीकरणों से हो या लोगों को अपने साथ जोड़कर हो? मीनाक्षी जी, पहले तो मैं अपने बीजेपी के मित्र को बताना चाहूंगा कि सरदार पटेल साहब कांग्रेस पार्टी की शान है, देश की शान है, और सरदार पटेल साहब ने 1948 में आरएसएस को बैन किया था सर, वो हमारी और अपनी चिट्ठियों में ये भी लिखा था कि आरएसएस की जो विचारधारा है देश के लिए जहरीली है। 2017 का मैं नहीं कह रहा, ये सरदार पटेल साहब ने कहा था। देखिए, मुझे बताना जरूरी था बिकॉज इन्होंने ये विषय उठाया है। नेहरू जी ने उन्हें ठीक है, अब मैं अब मुद्दे पे आता हूं। नेहरू जी ने उन्हें कम्युनिस्ट कहा था, सरदार पटेल को सम्मान देते हुए आपको मैंने सरदार पटेल साहब की जो उन्होंने कहा था वो आपको बताया, पर आप में सुनने की क्षमता नहीं है। अब कृपया करके सुन लीजिए, अपनी टर्न के समय बोल लीजिएगा। दूसरी बात, इन्होंने आंकड़ों की बात की थी, मैंने आपके साथ जो बेरोजगारी का आंकड़ा शेयर किया है, गुजरात का 6.8 है, नेशनल एवरेज 5.4 है, और कर्नाटका में जो कांग्रेस रूल स्टेट है 3.2 है। तो जो बीजेपी में गुजरात में बेरोजगारी है वो 2.5% कर्नाटका से ज्यादा है और 1.5% नेशनल एवरेज से ज्यादा है, ये है आंकड़ों की बात। ठीक है, तीसरी बात, जो ये कहते हैं कि जी हमने उद्योगपतियों को और ये जो नैनो कार टाटा को हमने जमीन दी है, इनसे पूछना चाहता हूं कि टाटा को आपने जमीन तो दी 30,000 करोड़ की, पर उसके बाद कोई टाटा कार हमें दिखी है सड़कों पर? क्योंकि मुझे तो दिखी नहीं है, और मेरे गुजरात भी काफी चक्कर लगे हैं, मुझे पूरे हिंदुस्तान में जब इन्होंने जमीन दी उसके बाद एक नैनो कार हिंदुस्तान में नहीं दिखी। मैडम, ये सच्चाई है, ये आपको भी पता है। ठीक है, चौथी बात, आज देखिए जो देश में जो आम आदमी को दुविधा किस चीज की आ रही है, रसोई गैस की दुविधा आ रही है, पेट्रोल की दुविधा आ रही है, अभी अभी गई है, आज अंतर्राष्ट्रीय अभी अभी गई है, हुंडा साहब के शासन में जब $50 पर बैरल उसके बाद जाते जो सरकार है इन्होंने आम आदमी की जेब पे डाला हुआ है, ₹70 प्रति लीटर पे करते हैं, ₹70 मुझे कायदे से 35 रुपए होना चाहिए, और ये मैं बार बार पूछ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ इस बार वो जवाब देंगे। हमको शीतकालीन सत्र क्यों बढ़ाना पड़ा, हमारी महंगाई इतनी क्यों हो गई है? क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि सारा का सारा फोकस सरकार का सिर्फ गुजरात पर है, बाकी देश कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं मीनाक्षी जी आपको ये बोलना चाहता हूँ, चुनावों के चलते हर एक राजनीतिक दल ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि शीतकालीन सत्र चुनावों के बाद होना चाहिए। आपने एक साथ में शब्द जोड़ दिया कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, अरे ये तो आंकड़ा हम रख सकते हैं अपने सामने, भारतीय जनता पार्टी के 3 साल के शासन के अंदर महंगाई की दर 5% से ऊपर नहीं गई, 11% पर रहती थी कांग्रेस के वक्त में। अभी आपने कहा बढ़ रही है, तो मैं जवाब देना उचित समझता हूं इस टाइम पे। बात यहां पर ये आ रही है कि मैंने कहा
हम विकास के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, हम गुजरात को जातिगत जहर घोल करके किसी एक व्यक्ति के मेकओवर नहीं करना चाहते, जिसके मेकओवर के उनको पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, गुजरात के भाईचारे को तोड़ना पड़ता है, एक समाज में अलग अलग जातियों में बांटकर अगर वो अपना सर्वाइवल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा, इससे बड़ी विडंबना और इससे खतरनाक दिन गुजरात की जनता के लिए कोई और नहीं हो सकता। और गुजरात वो वक्त नहीं भूली है जिस वक्त में गुजरात की बच्चियां माताएं सड़कों पर रात को नहीं निकल सकती थी, वो कांग्रेस का वक्त नहीं भूली है, उस वक्त को भी याद रखती है। तीन साल आप केंद्र में भी हैं, बताना चाहता हूँ, गुजरात में आज सुविधा दिलवा देते तो हम खुश हो जाते, खुलेआम बिल्कुल सुरक्षा के साथ बात। ठीक है, वो हम मान लेते हैं आपकी, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट एक कंक्लूडिंग रिमार्क, कांग्रेस एक कंक्लूडिंग रिमार्क इनकी तरफ से, बहुत संक्षेप में, वक्त कम खत्म हो रहा है। राजीव जी, आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन एक बात बता दूं कि 1 मई 1960 से लेकर आज तक कानून और व्यवस्था गुजरात में कभी मुद्दा और प्रश्न नहीं रहा, बल्कि आपकी सरकार ने अल्पेश ठाकुर और ठाकुर समुदाय की मांग पर शराबबंदी कानून को सुधारना पड़ा, उसमें संशोधन करना पड़ा और उसको मजबूत बनाना पड़ा। इसका मतलब कि आपके 20 साल के शासन में भी शराबबंदी इतनी लचर थी कि हर पड़ोसी राज्य से गुजरात में अवैध शराब आ रही थी, और ये कौन ये व्यवसाय चला रहा था ये सब लोग जानते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि गुजरात की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन आप रिकॉर्ड देखिए कि पिछले कितने इलेक्शंस में लोकल बॉडीज में, नगर पालिकाओं में और महानगर पालिकाओं में कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले, आपको भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, पिछले विधानसभा से अगर लोकसभा में बढ़े तो ये क्या गारंटी है कि लोकसभा का जो रिकॉर्ड रहा वो इस विधानसभा में भी दोहरा दिया जाएगा? हार और जीत का सवाल नहीं है, क्योंकि अगर पार्टियां चुनावों में हैं तो एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में कही जाती है, पक्ष विपक्ष दोनों मजबूती के साथ रहने चाहिए। लेकिन हमारा सवाल यह है कि गुजरात अगर देश बन जाएगा, गुजरात ही अगर फोकस में हो जाएगा, तो बाकी देश का क्या होगा, बाकी मुद्दों का क्या होगा, वो क्यों गौण हो जाएं? क्योंकि देश का एक राज्य चुनाव में जा रहा है और वो गुजरात है, तो क्या इस कदर पूरे देश को लेकर उसको सेकेंडरी किया जा सकता है और सिर्फ गुजरात को ही लेकर बात की जा सकती है? हमारा सवाल इसको लेकर था, क्योंकि सिस्टम, तमाम ऐसे सवाल मुद्दे हैं जो वहां पर उठाए जा रहे हैं, अच्छी बात है चुनाव में उठाए जाते हैं, लेकिन बाकी देश के जो मुद्दे हैं वो भी उतनी ही प्रायोरिटी में रखे जाने चाहिए, क्योंकि सरकार की वो जिम्मेदारी है और सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है। आज की चर्चा में इतना ही, वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।